वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले पर देश भर में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं की गई है। पीएफआई के साथ साथ उसके 8 सहयोगी संगठनों को भी 5 साल के लिए बैन कर दिया है। सरकार ने यह कदम पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए समेत तमाम जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद उठाया है। बता दें कि एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस और एटीएस ने देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान करीब 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला किया है। और इसी पर आज की चर्चा को खास बनाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। रमेश ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। योगेश सोनी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं रमेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। बड़ा निर्णय आज हुआ है पीएफआई को लेकर। लगातार सवाल चल रहे थे और आप देखिए कि जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, लगभग 350 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसके बाद भी कुछ राजनीतिक पार्टियों को कहिए या कुछ नेताओं को कहिए, ये कार्रवाई रास नहीं आ रही है। क्या आपको लगता है, कैसे आप इस कार्रवाई को देखते हैं और बैन को लेकर आप क्या कहेंगे? जी संजय भाई, देखिएगा, जो भी और जो देश के खिलाफ और देश की चीजों की गतिविधियों के खिलाफ अगर कोई कृत करेगा, किसी तरीके से करेगा, तो उस पे बैन होना चाहिए। इसको हम जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, एक सवाल जो जिस तरीके से आपने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियां जो बैन के बाद में उठी हैं, वो उठना स्वाभाविक भी है। और स्वाभाविकता इसलिए भी कही जाएगी कि इतनी जल्दी और ये चीजें अचानक क्या हुई जो कि आप लोगों को बैन करना पड़ा, और बैन भी कोई पूर्णकालिक नहीं, 5 साल के लिए आपने बैन कर दिया। और उसके पैरलर कई सारे ऐसे जो संगठन हैं जो एजुकेशन के लिए काम करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं, इस्लामिक एक संगठन है जो इतले महा का करके, उसमें तो कई बच्चे आईएएस निकल के गए हैं उनके बजट से, उनके ही फंड से। तो चीजों को अगर जो कड़ियां अगर आप जोड़ो तो कुछ ना कुछ ये लगता है शायद कुछ जल्दबाजी की गई है, क्योंकि कुछ चीजें पुरानी याद आती हैं। जब नरसिम्हा राव साहब की सरकार होती थी, उस समय विश्व हिंदू परिषद को जब उन्होंने बैन करा था, उसके पैरलर कई सारे संगठन खड़े हो गए थे उसी का रूप लेके, उसी का चोला लेके। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने जब बैन कर दिया, हालांकि अभी कोर्ट में मामला जाएगा, बहुत ही ट्रायल में क्या चीजें निकल के आएगी वो अलग की बात है। बैन करने की बात तो बहुत पहले से कही जा रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चीजें निकाली हैं, जो गिरफ्तारियां करी हैं, क्या गिरफ्तारियों में कुछ चीजें ऐसे निकल के आई हैं कि जो आप जाके कोर्ट में स्टैंड कर पाओगे? क्योंकि आपको दो चीजें सामने आई हैं। सबसे पहले जो हमारी निगरानी जब से बनी हुई है, हमने देख रहे हैं, तो उसमें कि आपको ये लगता है कि विदेश से फंडिंग हुई है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में ये संलिप्त है, ये दो चीजें पाई गई हैं। और जो गतिविधियां जो संलिप्त वाली बात कही जा रही, उन्होंने ये कहा कि जो आरोप जो लगाए गए कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ या छुटपुट तरीके से जो दंगे हुए, वहां इनकी इन्वॉल्विंग रही है एफआई वाले लोगों। अच्छा, की रमेश भाई, की। आपको रोक रहा हूँ। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इतनी बड़ी कार्रवाई जल्दीबाजी में हो जाएगी? क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। अगर इस मामले में कोई भी चीज होती है तो सरकार की किरकिरी होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जल्दीबाजी हुई है, लेकिन जो तस्वीरें, जो चीजें सामने आई हैं, जो तथ्य आई हैं, जो कड़ियां जुड़ी हैं, ये कुछ और इशारा कर रही हैं। उसकी बात को हम कह रहे हैं नहीं। देखो, यहाँ थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत पड़ेगी संजय भाई। इसमें जल्दबाजी भी हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि छुटपुट तरीके से घटनाएं हो रही थी, इनकी इन्वॉल्विंग सामने आ रही थी, लेकिन वो कोर्ट तक ये लोग स्टैंड नहीं कर पाए थे। अब आप जब आप कोर्ट में जाओगे, जब कोर्ट में बताओगे सारी चीजों को लेके, वहां थोड़ा संदेह पैदा होता है, क्योंकि ये संगठन है, ये संगठन सिमी का पार्ट है। जब सिमी प्रतिबंधित हुआ तो उन्होंने कहा, उसके बाद में सिमी कार्यकर्ताओं ने सोचा कि अब हम लोग क्या करें, तो उन्होंने ये संगठन बना लिया, इसके पैरेलल और भी संगठन बना लिए। यही तो दलील है सरकार की, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सच्चाइयां हैं। मेरी बात अधूरी रह गई थी जी। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय भी
कई ऐसे संगठनों को बैन करा गया था, वो बैन हुआ था, पूर्णकालिक बैन था, लेकिन उसके बाद में क्या चीजें हुई है हमने आपने देखी, कई सारे ऐसे संगठन हो गए उसी तरीके से उसी तरीके से वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। क्या इसके बाद में कोई जिम्मेदारी ये लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले लेगी, या उनकी जांच एजेंसियां इस बात को कहेंगी कि हम 5 साल को बैन कर लेंगे और उसके बाद में इस तरह की कोई गतिविधियां में सामने इस तरीके से कोई संगठन नहीं उठेगा, तो ये कोई कह नहीं पाएगा, ये जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं है। अगर 5 साल ये बैन हो गए, अगर आपको लगता है आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, तो 5 साल में बैठ के ये लोग तो और कुकार हो जाएंगे और अपनी गतिविधियों को बढ़ाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर संगठन बढ़ाने की बात की हमने 7-8 सालों में देखें तो 2 राज्यों में केरल से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में 7-8-9 आज 21 राज्यों में इनके सारे कार्यकर्ता फैल चुके हैं, तो विशाल संगठन हो गया है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। और पीएफआई के कई ऐसे सदस्य हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे संजय जी जानता हूं, और उनकी गतिविधियां जिस तरीके से बताई जा रही हैं, कभी कभी थोड़ा शक होता है क्या वास्तव में ये लोग ऐसे हैं। जामिया इस्लामिया में कितने सारे लोग हैं जो एजुकेशन के लिए भी काम करते हैं और चीजों के लिए काम करते नहीं, हैं। रमेश जी आपको ये लगता है कि जो समस्या का समाधान होना चाहिए बैन से, शायद वो समस्या का समाधान निकलता आपको नहीं दिख रहा है, ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि अगर एक एक संगठन पे आप बैन लगाएंगे तो दूसरा संगठन खड़ा हो जाएगा, दूसरे पे लगाएंगे तीसरा खड़ा हो जाएगा, परमानेंट समाधान इसका क्या हुआ। चलिए योगेश सोनी जी भी हमारे साथ हैं। योगेश जी जी आप देखिए, रमेश जी भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि जैसे ही कोई बड़ी कार्रवाई होती है, इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, पीएफआई को लेकर ये बात कही जा रही है, अगर ऐसा है और इस तरीके की घटनाओं में वो शामिल है और ये सिद्ध होता है, तो जो लोग आज बड़े समर्थक के तौर पर निकल कर आए हैं, क्या उनको सोचना नहीं चाहिए कि तब क्या किया? क्योंकि यहाँ ये भी एक सवाल है कि जल्दीबाजी कौन कर रहा है, आखिर केवल और केवल देश में राजनीति के लिए ही सारी चीजें बलि चढ़ा दी जाए वो कहां तक सही है? क्योंकि कुछ भी कहे, कुछ भी कर दो, बस किसी भी तरीके से कोई भी बात बोल दो बस अपनी तरफ से, लेकिन उसके बाद का क्या होना चाहिए, बाद में क्या चीज आनी चाहिए, या हम कहेंगे कि जैसे कि रमेश जी कह रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ हो भी ना, या कुछ हो भी, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। योगेश जी 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 मुझे आवाज आ रही है जी। देखिए ऐसा है कि 2017 में एनआईए ने इस गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इसकी जो मांग करी थी इसको बैन किया जाए। इसके अलावा सिर्फ हम इसी चीज की बात कर रहे हैं, बाकी रिहेबा इंडियन फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, तमाम ऐसे संगठन है जिनको प्रतिबंध किया गया है। और बात आ जाती है इसके अंतर्गत, देखिए ये कैसी आगे सरकार निकली जाए, ये तो समस्या का समाधान जो है स्थायी रूप से नहीं है। रमेश जी सही कह रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जो है सरकार को एक एक्शन ऑफ प्लान इंटरनली काम करने की जरूरत है। इसके विषय में हम कई बार सुनते आए तो हर बार क्या होता है, थोड़ी देर के लिए उछाल आता है, हालांकि पिछली बार कोर्ट से राहत मिली थी, जो बैन लगाया था वो हटाया गया था, पर जो काम इसके अंतर्गत हो रहा है वो देखना पड़ेगा कि इसकी जो जड़ें हैं वो कहां तक विस्तृत है और वो क्या काम कर रही हैं। बैन लगाने का अर्थ तो ये है कि आपने उनको निश्चित तौर पे और इनको बागी कर दिया गया, क्योंकि जिसको इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देना पड़ेगा वो तो बिना किसी संगठन के बिना किसी उसके भी दे देगा। ये तो रजिस्टर्ड संगठन है, या तो सरकारों को सोचना चाहिए कि जब इनको आपको प्रतिबंध करना है या इनके लिए कोई काम करना है तो उसकी भी जो नीति है वो कहीं ना कहीं बहुत सुदृढ़ वाली होनी चाहिए, बहुत इसको बोलते हैं मजबूती के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि एक चीज की जब जिससे दुष्प्रभाव है वो बार बार सामने आए तो वो देसी भाषा में नासूर बन जाता है। लेकिन ये अगर हम जैसे अगर हम यूपी में बात करें, 7 राज्यों में 230 लोग पकड़े गए, ये 230 लोग कौन है, कहां से इनके तार बिछे हुए, क्या इस पे भी कार्रवाई, जैसे ये इस बार बताया ऐसा हम पहले भी सुन रहे थे 2017 में, बावजूद इसके कुछ हफ्ते जो सरकार के जो गंभीर चीजें हैं, जो गंभीर मुद्दे थे वो हफ्ते नहीं लगे और उसके बाद तभी उनको राहत मिल गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सरकार को इस तरीके के एक्शन प्लान को अंजाम देना पड़ेगा, जिससे जो असल चीज है, जो एक देसी भाषा में चोरनी चोर की माँ को पकड़ा, वो पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके कुछ इस पर रियायत मिलेगी, तभी जाके कुछ राहत आएगी, क्योंकि बार बार एक ही चीज का आना वो कहीं ना कहीं जो है उसकी गंभीरता फिर खत्म हो जाती है। बिल्कुल अच्छा, योगेश जी आपको नहीं लगता कि इस बार एनआईए जैसी एजेंसी इस बार उन्होंने अपना फीडबैक दिया है, उन्होंने कार्रवाई की है बहुत जगह जी, निश्चित तौर पे गंभीर होगा जी, गंभीर है तभी ये काम किया गया। मैं गंभीरता उनके कार्यशैली पे, उनके कार्यों को नहीं कह रहा हूँ, मेरी गंभीरता जो है
वो गंभीरता वो होनी चाहिए जो जिसके बाद जैसे अब इन्होंने इसको पकड़ा है, इन लोगों को पकड़ा है, इस तारों को समझा है, लेकिन उसके बाद यदि इसके बाद अंजाम गंभीरता से दिया जाए, मैं उस विषय में कहना चाहता हूं, क्योंकि एक बार पकड़ के अगर आपके पास वो कुछ चीजें ऐसी नहीं है और ये दोबारा छूट जाते हैं या उस पर राहत मिल जाती है कोर्ट से या किसी चीज से, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक और हास्यप्रद हो जाता है। जब पहले भी ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा लगता है जब इन NIA जैसी एजेंसी पकड़ दिए तो निश्चित तौर पर कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा, लेकिन सवाल यही है कि उस बहुत कुछ के अंतर्गत हम आगे उसको कैसे बढ़ावा देते हैं। अगर आप प्रतिबंध कर रहे हो तो उस प्रतिबंध की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो 5 वर्ष का वो आजीवन प्रतिबंधित कर देना चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज है रमेश भाई, ये बड़ी चीज है, बहुत सारी चीजें हैं कि प्रतिबंध क्या समाधान है। और एक यहाँ और महत्वपूर्ण बात यह है, आप देखेंगे रमेश भाई कि बहुत जल्दी नेताओं को ऐसा क्यों लगने लगता है कि ये भी एक वोट का मामला हो सकता है। यहाँ ये भी एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारी समस्या हमारे यहाँ वोट है, बहुत सारी समस्या, ये जो हर जगह आप देखेंगे तुरंत किसी एक तबके को लेकर आप तुरंत धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सारा एकदम आ जाता है निकलकर। नहीं, चीजें ये जो कार्रवाई चल रही है, पूरा एपिसोड जो हो रहा है, और इन चीजों से भी दूर नहीं है, ये चीजें हैं, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं वो वोट बैंक को ध्यान में रख के की जाती हैं। 2024 ज्यादा दूर नहीं है, 1.5 साल के बाद में चुनाव होना है, उससे पहले आपको 11 राज्यों में चुनाव लड़ना है विधानसभा की, तो उसको माइलेज लेने के लिए दिमाग में चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि दूर हो जाती हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और दूसरी बात यह है, हास्यास्पद बात ये निकल के आ जाती है, PFI रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, PFI कोई किसी कंपनी अधिनियम से बनी हुई संस्था नहीं है, कोई इनका टैक्सेस नहीं जाता है, कोई किसी तरीके से कुछ नहीं जा रहा है। ये लोगों के अंदर भ्रम है कि PFI बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था का एक ऑरा हम लोगों के बीच में बना दिया गया कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संस्था है, ये संस्था गुपचुप चलती है, कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। उसके बावजूद हास्यास्पद चीजें तब आ जाती है, कल जब राष्ट्रपति द्वारा एक गजिस्टर्ड जो पेपर होता उसमें इनको बैन किया गया है, ये चीजें तब होती हैं जब बड़ी संस्था कोई होती है, कोई रजिस्टर्ड संस्था होती है, तब ये की जाती है। ये चीज तो देखिए रमेश जी, क्या है कि जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, PFI का नाम हर बार आया, दंगों में नाम आया है तो आपको भी पता है, इससे तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। अगर हाँ, ये हो सकता है कि पूरी PFI के अंदर अगर 100 लोग हैं, आप एक छोटा सा उदाहरण है, 100 हैं और 10 दंगे हैं और 90 नहीं है, 90 दंगे हैं 10 नहीं है, लेकिन कहते हैं ना गेहूं के साथ तो घुन भी पिसता है, कहीं ना कहीं तो कुछ चीजें हुई हैं, वरना PFI क्यों? ऐसे तो और भी बहुत सारे संगठन हैं और ऐसे बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं, केवल PFI ही क्यों? फिर ये भी सवाल है रमेश जी। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा, PFI क्यों और कई सारे संगठन है, संगठन में जब कहेंगे देखो कुछ मुंह से बातें निकलेंगी तो पराई हो जाएंगी और कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, कि वहां पर कुछ ना कुछ गतिविधियां ऐसी हुई हैं, इसलिए तो PFI को टारगेट किया गया। ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में PFI की बहुत बड़ी लहर है और उस पे करेंगे तो वोट मिल जाएगा, या दूसरे लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि PFI के पक्ष में बोलेंगे तो उन्हें वोट मिल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए गतिविधियां हुई हैं, एक्टिविटीज इनकी एंटी नेशनल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। केरल में क्या हुआ, केरल में जब चुनाव हो रहा था तब आपने देखा है, अब जुमा 4 दिन पहले क्या हुआ था, जब PFI के ऊपर जब छापामारी हुई थी NIA की, तो उनके लोग निकल के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोले थे। लेकिन इस पूरे देखो ना, पूरे चीज को जब आप एनालिसिस करोगे ना ढंग से, आप देखोगे यहाँ का फैजल जब अध्यक्ष जो दिल्ली का पकड़ा जाता है, जान पकड़ा जाता है उत्तर प्रदेश का, तो जो चीजें आ रही हैं, अगर फंडिंग भी हो रही तो इनके पास हो रही है, इनके पास जो कार्यकर्ता हैं उनको कुछ भी नहीं पता है क्या होता था क्या नहीं होता था। जामिया जमात इस्लामिक संगठन जो IS बच्चों को निकाल के पढ़वाता है और कई सारे निकाले हैं, वो संगठन से एक इस्लामिक संगठन जुड़ा हुआ था उसको भी बैन कर दिया गया। मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने उनकी गतिविधियां PFI जैसी है या PFI लोगों के साथ में ऐसी तरह की कोई चीज है, कुछ जल्दबाजी हुई है, तभी मैं कह रहा हूं यहां पे NIA के जो कार्रवाई हुई है जल्दबाजी थोड़ी सी लगती है, उसके बाद में ये जो सरकार ने जो फैसला लिया ये भी थोड़ा सा जल्दबाजी वाला लगता है। ये जब ट्रायल में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में तो आपको बिंदुवार तरीके से सब चीजों को बताना पड़ेगा ना। ठीक है ये रमेश जी, ये ठीक है कि देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ये ठीक है कि पथराव की बात हो, ये ठीक है कि एक भड़काऊ भाषणों की फेरिस्त तैयार की जाए, ये ठीक है कि जो युवा है, मुस्लिम युवा,
उसे बरगलाया जाए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जाए, इस तरीके की कार्रवाई, जो तथ्य आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, इनके द्वारा चलाया जा रहा था, इस तरीके का एक बेड़ा सा उठाया गया था, ये सारी तस्वीरें दी गई हैं कि भाई इस तरीके की कार्रवाई में इन्वॉल्व थे, तो ये कहाँ तक सही है? फिर तो बैन होगा ही ना, गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, कोई जस्टिफाई नहीं करा। मुझे लग रहा आपके चैनल पे हम लोग डिबेट में थे, तो अभी एक जो मेरठ का नाम नाथूराम गोडसे के नाम पे रखने के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, रैली भी निकाली, वो भी गलत है, वो भी सही नहीं है। नहीं, नहीं, नाथूराम गोडसे को, गोडसे को हम लोग कभी हीरो नहीं मानेंगे। उसके नाम पे अगर मेरठ का क्या नाम, हम अपनी गली मोहल्ले का अगर भी नाम रखो तब भी उसके लिए हम लोग राजी नहीं होंगे, तो ये गलत है। बात यहाँ समझने की है, पीएफआई जो कर रही है गलत कर रही है, कुछ चीजें निकल के आई हैं। अगर उसके पैरेलल संगठन में देखो, अगर आरएसएस में कई सारी चीजें ऐसे निकल के आती हैं, उसके बाद में जमात में भी ऐसे संगठन निकल के आते हैं। और रमेश जी एक चीज बताइए, आरएसएस ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं क्या? नहीं देखो, तो फिर ये सिर्फ आरएसएस ने, एक छोटी सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि बात हो रही है कि देश विरोध की, बात ये नहीं हो रही है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बात ये हो रही है क्या आरएसएस ने देश विरोधी नारे लगाए हैं, या आरएसएस ने पाकिस्तान के लिए भारत के अंदर साजिशें रची है कि भारत के खिलाफ कुछ चीज़ों, या उनके लोगों ने कोई ऐसा रच दिया कि जो हमारी जो इंटरनल सुरक्षा है वो खतरे में आ गई है एकदम से, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो बात ये हो रही है कि उसके साथ जोड़ने की परंपरा सी है क्या, ये कह के कि आरएसएस भी इस तरीके की कार्रवाई करता है तो इसलिए हम भी इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं? संजय भाई ना आप कह रहे ना कह रहे, जब ये जो सारी बातें आरएसएस को लेके आपने कही है ना, जो आपने मेरे मुंह में डालने की कोशिश करी, मैं आपके मुंह में डालता हूँ। कैसे डालता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आरएसएस पे जब बैन लगा, आरएसएस पे जब बैन लगाया था कांग्रेसी सरकार ने, उस समय यही चीजें कही जा रही थी। इन्होंने कहा था मुस्लिम लीग मुस्लिम पार्टी के साथ में मिलके ये लोग गलत गतिविधियां कर रहे हैं। इसके बाद भी कई सारी चीजें ऐसी आई थी जो आज की डिबेट में बताने की जरूरत नहीं है, सुख शांति वाला समय है, हमें बताने की जरूरत नहीं। कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं, विश्व हिंदू परिषद के साथ में क्या हुआ, इससे ज्यादा बातें कही गई हैं। लेकिन ठीक है, जब हुकूमत बदलती है लोगों का विचार बदलता है, नजरिया बदलता है। अब आप हाथ अब कोतवाल हो, मैं आपके सामने मुजरिम हूँ, अगर मेरी कोई गलत बात भी अगर आपको लगती है तो आपको अधिकार है पकड़ने का, चीज है वही हो रही है। अगर अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर सरकार को ये लगता है कि पीएफआई के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो आप 2017 से क्या कर रहे हो, 2014 से क्या कर रहे हो, ये कार्रवाई आते आते 5 साल का, 4 साल जांच की है, 4 साल की जांच में सामने आया है कि अब इस तरीके के तथ्य मिले हैं तो कार्रवाई कर दी। नहीं चार नहीं, आपकी सरकार तो 8 साल हो गई ना, 8 साल से आप कर रहे हैं, उससे पहले से सारी चीजें आपके पास है। उसके बाद में मुझे लग रहा है, और दूसरी बात, ये पूर्णकालिक प्रतिबंध नहीं है। जब इतनी सारी चीजें आपके पास आ गई हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, और आपको लग रहा है विदेशों से फंडिंग आपके पास आ चुकी है, और वो फंडिंग क्या कर रही है, दंगा फैलाने के लिए काम कर, जब इस तरीके के सारे आपके पास एलिगेशंस आप लोग लगा रहे हो, तो मुझे लग रहा है 5 साल का पर्याप्त नहीं है, आपको प्रतिबंध पूरी तरीके से करना चाहिए। हाँ, इसके साथ में जो संगठन जो जिनको आप लोगों ने लिया है, मुझे लग रहा है इनके खातों का ऑडिट करना चाहिए, इनके खातों की जांच होनी चाहिए, और इनके व्यक्ति को जितने भी लोग हैं उनके इंक्वायरी सही तरीके से होती तब ये सारी चीजें होती, तो मुझे लग रहा है शायद कोर्ट में जब जाते तो आपको कोर्ट में बगले झांकने का मौका नहीं मिलता। अटॉर्नी जनरल जब आपके साथ में खड़ा होगा तो उनको आप तोते की तरह नहीं पढ़ाओगे, उनके पास सारी चीजें होनी चाहिए कागजी, जो फटाफट जज के सामने बोले यहाँ पे। अभी तो जाएंगे ना, अभी आप पहले कैसे कह देंगे कि वहां ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है 350 लोग, और ये कह दें कि उस वक्त ऐसा हो गया था। ऐसा होता है ना कभी कभी रमेश जी, कभी कभी अपराधी जो होता है वो एक बार को छूट जाता है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा वो फंसता है तो फिर सारी चीज़ें पिछली भी खुल जाती हैं, फिर सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। सोनी जी, क्या लगता है आपको कि अब आगे क्या, क्योंकि 5 साल का प्रतिबंध जो कहा है वो रमेश जी भी कह रहे हैं कि उससे क्या होगा, कल को दूसरा संगठन बन जाएगा, परसों को तीसरा संगठन बन जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर कोई भी संगठन है उसके एक सदस्य के द्वारा ये कहा जाए कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान विरोधी वो भारत विरोधी नारे लगे हैं और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं, और उसके साथ 4 संगठन और जुड़े हुए हैं, तो उन 4 पे भी कार्रवाई क्यों हो गई, ये एक सवाल उठ रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो 4 संगठन हैं उसकी जो पूरी की पूरी मदर कंपनी कहते हैं ना कि एक ही होती है, तो शायद वो कि भाई एक तरफ से तो आप दिखाइए
कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से आप फिर देश विरोधी सिस्टम में जाइए और कहिए कि नहीं, जो देश विरोधी वाला सिस्टम है इसे सही कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और जो वो उसे चलने दीजिए। ये भी है कि कयास पर आधारित तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि मैंने अपने पहले चंक में बताया कि इससे इसके गिर्द गिर्द जितने भी इस जैसे जो संगठन है वो 8-9 संगठन और भी प्रतिबंध हुए हैं, लेकिन इस समय इसी का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। देखिए सेमी के लिए भी ये था, जैसे सेमी प्रतिबंध हुआ था उसके बाद से इसकी सक्रियता और ज्यादा बढ़ गई थी। 2007 में ये संगठन बना, तब से सरकारों के लिए सरदर्द बना रहा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपके पास इतना मसाला है और आप ऐसा सोचते हो तो इसको जड़ से खत्म करने में आपकी क्या समस्या है। जैसे मेरे साथी मित्र ने बताया कि अभी कि इनके ऊपर जैसे इनके खातों की जांच हो या इनके ऊपर जो बाकी अवैध तरीके से इलीगल तरीके से चीजें चल रही हैं उसके पास अगर आपके पास इतना मसाला है तो 2007 से आज दोस्त 2022 आ गया, 15 वर्षों से अगर ये संगठन इतनी सक्रियता के साथ और अपनी लोगों को बढ़ाए जा रहा है, इससे लोग जुड़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स पर इसका शिकंजा है, तो उसके बावजूद भी इसको प्रतिबंध करने में या इसमें शिकंजा कसने में सरकार कहां विफल हो रही है। और जब हम ये सब मान रहे हैं कि इस बार मसाला बहुत ज्यादा है, चीजें जोरदार है और बहुत सब कुछ होने वाला है, तो इसके बाद इस एक्शन को इतने जबरदस्त तरीके से लिया जाए कि ऐसे संगठन जो हर रोज बनने का प्रयास करते हैं हिंदुस्तान जैसे देश में, जो हमारी जनता को, हमारे यहाँ के लोगों को, मुस्लिम युवाओं को, बाकी लोगों को जो ये एक गलत दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको सबक मिले, क्योंकि एक संगठन इतना सरदर्द बन रहा है तो यदि सरकार इसके ऊपर कुछ करके बैक मारती जैसे मैंने पहले भी कहा, तो इससे बाकी संगठनों को भी बल मिलेगा कि जो भारत सरकार है, जो मौजूदा केंद्र सरकार है, वो इतने आक्रामक और आकर्षक तरीके से अपनी शैली को निभाते हैं, बावजूद इसके इस तरीके का हो जाना उनकी कहीं ना कहीं बल को बढ़ावा देगा। तो ऐसी चीजें जब भी सामने आती है तो उस पर बड़े एक्शन की हमेशा जरूरत होती है, और जो आप इसके इर्द गिर्द और जो छोटे संगठनों की बात कर रहे हैं उनकी भी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, ये तो वो जो थोड़ा बहुत मीडिया में आते हैं। योगेश जी, इसका एक समाधान वो क्या है कि भाई दूसरे संगठन ना बने, यहाँ तो ये भी एक बड़ा सवाल है ना जी, आपने 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया, आगे दूसरे कैसे नहीं बनेंगे और यही लोग उसमें क्यों नहीं होंगे जी, या उसमें अच्छे ही लोग होंगे? नहीं, देखिए अच्छे और बुरे की परिभाषा तो किसी चीज को बनने के बाद चलती है। देश में तमाम एनजीओ, तमाम संस्था, तमाम संगठन चल रहे हैं, लेकिन जो इनका उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं हमेशा से संदेहपूर्ण और खतरनाक रूप में नजर आया है, जो देश को कहीं ना कहीं एक मतलब गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। ऐसी स्थिति में वही कह रहा हूं जैसा आपने पूछा मेरे से कि ये प्रतिबंध करने के लिए क्या करना चाहिए। यदि इस समय एनआईए के पास ऐसी चीजें निकल के आई हैं इतनी बड़ी एजेंसी के पास, उसके बाद यहाँ का जो चीज, यहाँ की जो एक्शन इनका होना चाहिए वो मैं कह रहा हूँ उसमें इतना जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई ऐसे संगठन ज्वाइन करने से पहले या ऐसी देश विरोधी बात करने से पहले, देश विरोधी कोई गतिविधि करने से पहले 100 बार सोचे। और मेरा मानना है ऐसे संगठन जब जन्म लेते हैं तुरंत कोई ऐसी यूनिट एक सरकार को बनानी चाहिए कि ये यूनिट, ये इसका उद्देश्य क्या है, उसके लिए वो अपने कागजात जो जमा करते हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, विदाउट रजिस्टर्ड अगर वो चल रही है तो तुरंत उस पर कोई सजा का प्लान होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे चीजें जो है सुचारू रूप से चले, और जो ऐसे नए लोग बनाने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं ये सबक मिलना चाहिए, ये मैसेज उनके पास जाना चाहिए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर जो एजेंसी है, जो शासन प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं ऐसा शिकंजा कर सकता है जो हम अगर हम सोचे तो हमें 100 बार उसकी सजा के विषय में भी सोचना चाहिए कि हम कि हमारा अंजाम क्या हो सकता है। बिल्कुल सख्त कानून की बात होनी चाहिए। रमेश जी एक मिनट में अपनी बात रखिएगा, आपसे ले रहा हूं क्योंकि समय कम है। रमेश जी मेन बात यह है कि अगर इस तरीके के अपराधी पकड़े जाते हैं जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया रमेश जी, तो कहीं ना कहीं एक नज़ीर ये भी पेश करनी होगी कि भाई एक ऐसा कानून और एक ऐसी सजा हो जिससे कि आगे कोई इस तरीके के लिए जो जितने भी जो ये संगठन है वो बने तो कोई इस तरीके की कार्रवाई के लिए ना बने, लोग उसके अंदर ना जा पाए। तो ये नज़ीर तो क्योंकि अब की बार ऐसा कहा जा रहा है, इतनी बड़ी स्थिति में अगर इतने बड़े रूप से छापेमारी हुई है, इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो इस बार तो कोई ना कोई नजीर पेश होनी चाहिए जी। देखिए संजय भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल सारी चीजें आज इस कार्रवाई के बाद में खत्म हो जाए। जब कोरोना आया था तो ये कहा गया था जमातियों ने फैलाया है, जमातियों का आना बंद कर दिया जाए, जमाती जो सारी चीजें हैं वो खत्म हो गई हैं, जब तक चीजें मीडिया में नहीं सारी खत्म हो गई। कुल मिला के कंक्लूजन और लब्बोलुबाब इस पूरी डिबेट का और ये पूरी जो कार्रवाई हो रही है, मैं 30 सेकंड में आपको पूरा कर देता हूँ। ये भी आपने कहा था बीच में कि वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, बिल्कुल। देखिएगा जितने भी पीएफआई के लोग हैं इनको पाला पोसा किसने? कांग्रेस ने।
कांग्रेस की जहां जहां हुकूमत है वहां इनके कार्यकर्ता ज्यादा हुए, वहां इनका संगठन बहुत ज्यादा मजबूत हुआ। अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी अगले जो 11-12 जो राज्यों के चुनाव होने हैं वहां माइलेज लेना चाह रही है। उनको एक राष्ट्रवादिता जिस तरीके से प्रचार करा कि हम तो राष्ट्रवादी पार्टी हैं और राष्ट्र के लिए कुछ भी करेंगे, ये लोग जो हैं पीएफआई वाले ये राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं। तो इस लिहाज से जो राष्ट्रवादी है और जो राष्ट्र के खिलाफ काम करता है वहां पे दोनों का इस समय ऐसा गपचड़ मचा हुआ है कि मतलब शो करने के लिए कि हम राष्ट्रवादी आप राष्ट्रवादी नहीं हो। तो चुनावों को माइलेज लेने के लिए, लोकसभा के चुनाव में जाने के लिए, तो यू सब चीज को लेके मुझे लग रहा है ड्रामा हो रहा है। और ये देखिएगा, पर अगर रमेश जी ये सिद्ध हो जाता है कि बहुत सारे लोगों पे बहुत सारी चीजें मिली तब क्या कहेंगे? नहीं, सिद्ध तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, चीजें तो निकल के आएंगी क्योंकि 2007 से बाद के को लेके कोई दिक्कत नहीं, उनको बढ़िया से चल रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा इनका ये कह लो कि हेडक्वार्टर ही इनका वहीं पे है, सब कुछ वहां से हो रहा, केरल इनके हाथ में नहीं था। तो सारी चीजों को लेके कई सारी चीजें इनके हाथ में आ चुकी हैं। अब सरकार को देखना पड़ेगा ना, सरकार ने देखो एक वो कहते ना सामने शेर है उसको पेन मार के अधमरा करके छोड़ दिया, स्थिति वही हो गई। नहीं बिल्कुल, पूर्ण पूर्ण बंद, जिस तरीके से पूर्ण रूप से इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए, पूर्णकालिक प्रतिबंध लगना चाहिए था। 5 साल में अगर इनका बंद के नाम पे आपने ढकोसला करोगे, 5 साल में तो अंदर खाने ये और सदस्य बना लेंगे और मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल रमेश जी, ये एक बड़ी बात है कि 5 साल में कुछ नहीं होने वाला और समस्या का समाधान प्रतिबंध से नहीं है, समस्या का समाधान के लिए तो और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं पीएफआई को लेकर हर ओर चर्चा है, जिस तरीके से इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है ये अपने आप में बहुत अहम है। और जैसा कि बताया जा रहा था कि लगातार देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई शामिल रही है, उसे लेकर भी चिंता सभी को थी। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब इतना जरूर है कि कुछ बात यह है कि 5 साल का ही प्रतिबंध क्यों, इन पर आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं, ये एक सवाल खड़ा है और खड़ा रहेगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।